फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था अक्टूबर 96 में। आप आपके क्वेश्चन में देखो, वीके प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अक्टूबर 2003। देखो, इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अगस्त 2003, यानी ये है इनकॉर्पोरेशन का पीरियड 1 अगस्त, यानी ये। तो इसके पहले का जो पीरियड है ये पीरियड कहलाएगा पोस्ट, सॉरी प्री प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन। और ये जो पीरियड है ये पीरियड कहलाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन यानी क्या कि बिजनेस को यहां पे रजिस्ट्रेशन मिला, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन यहां पर हुआ है, ओके। लेकिन बिजनेस को परचेस किया है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 30 जुलाई, 31 जुलाई तक बिजनेस फर्म में रहा, 1 अगस्त से वो इनकॉर्पोरेशन हुआ यानी वो कंपनी बन गई। तो वीके प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2003। द कंपनी एग्रीड टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ मेसर्स जय विजय एंड कंपनी एज गोइंग कंसर्न। जय विजय एंड कंपनी को परचेस कर लिए इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2003। आप आपके क्वेश्चन में देखो, डेट दी है 1 अप्रैल 2003 को बिजनेस को परचेस किया, यानी सी हियर, इस डेट पे परचेस किया और यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो हमारे पास दो टाइम फ्रेम आ रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन के यानी इनकॉर्पोरेशन के पहले का पीरियड है उसको कहते हैं प्री, और बाद वाला पोस्ट। अभी हमारे सामने सी इन द क्वेश्चन, हमारे सामने एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमको ट्रेडिंग अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और उसके बाद में P&L अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और साथ में एडजस्टमेंट दिए हुए है। हम लोगों को क्या करना है, तो भाई इसके ऊपर से आंसर बनाइए। तो बहुत सिंपल आंसर है सी, नाउ वी आर ऑन द बोर्ड, हम लोगों ने बनाया है एक P&L अकाउंट। लेकिन ये जो P&L अकाउंट हमने बनाया है, ये P&L अकाउंट में सबसे पहले वो है अपना पर्टिकुलर्स, एज यूजुअल। हमेशा हम लोग 11th 12th में दो कॉलम बनाने के, इनर आउटर कॉलम, लेकिन ये वो इनर और आउटर कॉलम के लिए नहीं है। ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, दोनों तरफ देखो तो रेशियो, कि कौन से रेशियो में हम लोग अमाउंट को डिवाइड करेंगे। कोई भी एक आइटम आएगी, फॉर एग्जाम्पल रेंट, सपोज करो, क्वेश्चन में मत देखो, खाली समझो रेंट। तो आप हम सब जानते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लोग लिखते हैं रेंट। तो यहाँ पे हम लोग रेंट लिखेंगे, लेकिन दो अमाउंट, यानी कि ये देखो दो पीरियड है, तो दोनों पीरियड में कितना हमने रेंट पे किया वो लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों पीरियड। यानी हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो रहेगा प्री इनकॉर्पोरेशन का, जिसकी डेट है 1 अप्रैल से 30 जून। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डेट 1 अप्रैल 2013 टू 31 जुलाई 2013। उसके बाद में ये पीरियड का हो गया हमारा ये कॉलम, उसके बाद में ये पीरियड का हो गया हमारा ये कॉलम। तो ये पीरियड है 1 अगस्त से 31 मार्च, 1 अगस्त 2013 से लेके 31 मार्च 2013। वही से हम लोग यहां पर भी लिखेंगे 1 4 2013 टू 31 जुलाई 2013, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 2013 टू
31/7/2013। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, तो भाई पोस्टिंग करते जाएंगे विथ रेफरेंस टू एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे, पोस्टिंग करते जाएंगे, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस, एज यूजुअल हम लोग सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, तो भाई इन द बुक्स ऑफ, तो अभी किसका नाम आएगा, जिसने ये कंपनी खरीदी उसकी, कंपनी खरीदने वाला कौन है, तो वीके प्राइवेट लिमिटेड, वीके प्राइवेट लिमिटेड ने ये कंपनी खरीदा है, इसके लिए लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ वीके प्राइवेट लिमिटेड। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, हमारा ईयर एंडेड है यहाँ पे 31 मार्च 2004, इसके लिए 31 मार्च 2004 का हम लोग टाइम लिखेंगे। चलो, हमारे पास दो अकाउंट है, तो उसमें से हमको जो परचेज सेल्स वगैरह वो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन में नहीं है, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रखो ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आता है क्रेडिट साइड में P&L के, यहाँ पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हम लोगों के पास एक ही अमाउंट है देखो ग्रॉस प्रॉफिट का, लेकिन उसको डिवाइड अपने को दो में करने का है ग्रॉस प्रॉफिट को। वो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है हमारे पास क्वेश्चन में 1,20,000। आप आपके शीट में देखो 1,20,000 का अमाउंट है, वो 1,20,000 का अमाउंट हम लोग दो में शेयर करेंगे, यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में शेयर करने के लिए सी प्रॉफिट तब होता है, ग्रॉस प्रॉफिट तब होगा जब हमारा सेल्स होगा। तो सेल्स कितना हुआ वो इंफॉर्मेशन अगर अपने पास हो तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि बाइफरकेट कर सकते हैं। तो हमारा सेल्स देखो, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया है सेल्स 3 लैक्स। अभी देखो एक ही अमाउंट दी है 3 लैक्स, तो 3 लैक्स पूरे साल का सेल्स है। देखो सी ऑन दी बोर्ड, अप्रैल से लेके मार्च तक का सेल्स है 3 लैक्स, लेकिन इसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स कितना, पोस्ट का कितना, अगर ये पता चले तो ही हम लोग वो सेल्स का एक रेशियो निकाल सकते हैं, और वो रेशियो के अंदर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं। पर अपने पास तो है ही नहीं वो रेशियो, इसके लिए यहाँ पर बात है। यहाँ एक तो हमको सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा सेल्स का रेशियो। तो देखो एडजस्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या, तो अपने शीट में देखो एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट मंथली सेल्स फॉर अक्टूबर टू मार्च इज 150%। ये अक्टूबर टू मार्च यानी हमारा कौन सा पीरियड हुआ, तो भाई ये पीरियड हुआ अक्टूबर टू मार्च, यहां तक का पीरियड है। क्या लिखा है, इज 150% ऑफ मंथली सेल्स फॉर अप्रैल टू सितंबर। तो अप्रैल, ये है अप्रैल, अप्रैल से लेके सितंबर तक का, इसके रिलेशन में ये पीरियड का सेल्स 150% है। आई मीन यहां पर हर महीने 150% का सेल्स होने लगा, जितना यहां पे होता था उसके कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल परसेंटेज को रुपीस में देखो, अक्टूबर से सेल्स हो गया 150 रुपीस पर मंथ, तो अक्टूबर का सेल्स 150, नवंबर का सेल्स 150, दिसंबर का सेल्स 150, जनवरी का सेल्स 150, फ़रवरी 150 एंड मार्च 150। ये 150% हो गया, पर 150% किसके रिलेशन में, तो अप्रैल टू सितंबर के। दैट मींस अगर यहाँ पे 150% है तो यहाँ पे होगा 100%। ये हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस में सीखा था कि परसेंटेज का जब भी कंपैरिजन आएगा कि ये इसके रिलेशन में 20%, ये इसके रिलेशन में 160%, 140%, जब ऐसा कंपैरिजन आता है तो वो वाला होगा 100%, इसके रिलेशन में ये है 150%।
दैट मीन्स ये खुद है 100%, ये हमने रेशियो एनालिसिस में स्टडी किए हैं। सो ये सेल्स है 100% का, दैट मीन्स 100 100 एवरी मंथ वी आर गेटिंग द सेल्स ऑफ 100%। 100% को अगर हम लोग रुपीस में देखें तो, रुपीस में अगर हम देखें तो ऐसा एग्जांपल सेट हो सकता है कि अप्रैल से लेके सितंबर तक हमारा सेल्स 100 रुपए का होता था हर महीने, तो अक्टूबर से वो सेल्स बढ़ गया और वो सेल्स होने लगा 150 रुपीस का एवरी मंथ। सिंपल। तो अभी हम लोग अगर इसको देखें, ये है हमारा सेल्स टोटल, तो सेल्स का टोटल करो तो कितना आएगा, 1 2 3 4, ये 4 हो गया 400, और 1 2 आप कैलसी पे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 800 प्लस 1 2 3 4 5 6, 800 प्लस 300, 1100। यानी हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेल्स रेशियो क्या बन गया, तो भाई 400:1100, दैट इज 4:11। अगर 4:11 हमारा ये रेशियो बन गया, देन इट बिकम्स इजी टू फाइंड आउट। अभी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 4:11 यानी 11/15 एंड 4/15। अब ये रेशियो सेल्स का रेशियो मिला, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को अब सेल्स के रेशियो में बांट सकते हैं। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वर्किंग नोट करो, ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग आपके शीट में देखो और कैलसी पे वर्किंग नोट करो, ग्रॉस प्रॉफिट है 1,20,000। मैच करो इधर से, बरोबर है क्या, 1,20,000 इंटू 4/15, 15 8 120, 32,000 एक का, तो दूसरे का जो रिमेनिंग रहेगा वो, बराबर। ये हो गया हमारा सेल्स का रेशियो, यानी हमारा सेल्स प्री इनकॉर्पोरेशन में आया 32,000, और दूसरा वन दूसरा है 11, 11 8 88, आप आपके आंसर के साथ वेरीफाई करो, बराबर है ना। सेल्स रेशियो निकालना कितना सिंपल है। तो क्वेश्चन में देखो, ये जो चैप्टर है इसके अंदर एडजस्टमेंट्स मैंने अभी लास्ट लेक्चर में भी कहा, एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट्स की जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज को समझो तो फिर ये चैप्टर वेरी सिंपल, चैप्टर ऑलरेडी सिंपल तो है ही, लेकिन इसमें सीखने जैसा क्या है, क्योंकि आपको तो सब मालूम है कि पी एंड एल सेल्स कहाँ लिखते हैं, पी एंड एल अकाउंट कैसे बनता है, टाइम रेशियो में और ये सेल्स के रेशियो में कौन सी आइटम जाएगी, वो सब आप 2 क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो बाइफरकेशन करने का कैसे है, उसका जो रेशियो है वो रेशियो हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करेगा, ये जो वर्किंग नोट है ना, ये इस क्वेश्चन की जान है। इसको अगर आप सीख गए तो ही ये चैप्टर सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं। और ये सीखने के लिए आपको एडजस्टमेंट की लैंग्वेज को समझना है। तो एडजस्टमेंट की लैंग्वेज इज वेरी, देखो यहाँ पर क्या लिखा, मंथली सेल्स फॉर अक्टूबर टू मार्च है 150%, यानी अक्टूबर से मार्च 150% है, दैट मीन्स अप्रैल टू सितंबर 100% है। इसके लिए यहाँ पे सब जगह पे 100 और उसके बाद पूरा 150। अब अपनी जो लाइन ऑफ डिवीजन है ना, बस उसको याद रखना, ये तो आगे पीछे किधर भी कुछ भी आंकड़ा आएगा चलेगा, वो छोड़ो, वो तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन लाइन ऑफ डिवीजन को बरोबर, ये बॉर्डर है हमारी, बॉर्डर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की, ये बॉर्डर को बरोबर से ध्यान में रखो। ये बॉर्डर को अगर हम ध्यान में रखते हैं, 4:11 वी गॉट द रेशियो एंड वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस। ये वर्किंग नोट जो है, ये वर्किंग नोट आपके आंसर का पार्ट बनेगी। यहाँ पे लिख देते हैं हम सेल्स रेशियो, फर्स्ट हमने इतने मेहनत से फाइंड आउट किया सेल्स रेशियो 4:11। ओके।
अब यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग अपने एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में फर्स्ट आइटम ग्रॉस प्रॉफिट रखी। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए अपने को चाहिए सेल्स रेशियो, और एक रेशियो है ऐसा जिसको निकाल के रखी दो काम में आनी। ये दो रेशियो हमेशा सबसे पहले निकाल दो, टाइम रेशियो। ये दो रेशियो हमेशा आने ही वाले हैं। टाइम रेशियो तो बहुत सिंपल है, दूसरी आइटम टाइम। ओके, टाइम रेशियो कैसे आएगा? तो भाई देखो, ये प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना टाइम है और पोस्ट का कितना टाइम है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितना महीना हुआ? 4। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये कितना महीना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 महीना। यानी टाइम रेशियो हो गया 4:8, दैट इज 1:2। ये हमेशा निकाल कर रखो, ये अपने को काम में आता ही है, क्योंकि टाइम रेशियो के बेसिस पे भी हमारे एक्सपेंसेस बाइफरकेट होती है। तो जब भी आप क्वेश्चन चालू करो तो आपको सबसे फर्स्ट ये फाइंड आउट करने का है कि लाइन ऑफ डिवीजन क्या है, यानी कि इनकॉर्पोरेशन कब हो रहा है क्वेश्चन में। जहां से इनकॉर्पोरेशन हो रहा है वहां से उसको यो ईयर दो में डिवाइड हो जाएगा। जब दो में डिवाइड हो जाएगा वैसे ही टाइम रेशियो फाइंड आउट कर दो। टाइम रेशियो तो बहुत सिंपल है, कितने महीने इनकॉर्पोरेशन के पहले, कितने महीने इनकॉर्पोरेशन के बाद में, ये होगा अपना टाइम रेशियो। और फिर है सेल्स रेशियो, ये दो हमेशा फाइंड आउट करके पहले ही रखता हूँ। अब हम लोग पोस्टिंग चालू करेंगे तो हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, अभी एडमिन एक्सपेंसेस आप एमए में किए, एफए में किए, 13 में किए, कितने टेंशन लोग करता है, सैलरीज, रेंट और जो स्टेशनरी है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, जो हमारे ऑफिस के लगत खर्चे हैं, ये सब एक्सपेंसेस को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस टाइम के बेसिस पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे देखो, अभी आप आपके शीट में देखो, क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट आइटम दिए है सैलरीज, 2 सैलरीज। अब अमाउंट एक ही है 30,000, तो हमारा ये सैलरीज कहाँ पे जाएगा? तो भाई पी एंड एल के डेबिट में, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 सैलरीज। ओके, कौन से बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे? यानी हमारा रेशियो रहेगा टाइम, टाइम का रेशियो आपके सामने है 1:2। तो अभी 30,000 अमाउंट है हमारे पास, ये 30,000 को हम लोग दो में डिवाइड कर देंगे 1:2, तो 30 2 और 1 3, 10,000, 20,000, 10,000 1 और 20,000 2 के लिए, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, टाइम रेशियो हो गया 1:2। इजी गो। द नेक्स्ट आइटम इज रेंट। रेंट कितना है? तो 9,000। तो देखो यहाँ पर जाएगा रेंट, आपको मालूम है पी एंड एल के डेबिट में आता है 9,000, वो भी टाइम के बेसिस पे जाएगा, तो 9,000 है ना, तो 2 और 1 3 into 9,000, 1/3 into 9,000, 3 3 9, यानी 3,000 and 6,000 it should be। ओके, तो रेंट हमारा जाएगा 9,000 है ना, तो 9,000 को हम लोग बाइफरकेट करेंगे 1:2 में हमारे टाइम रेशियो में। ओके, लेकिन इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? बैड डेट चेंज, हाँ एक एडजस्टमेंट है, सी द एडजस्टमेंट। रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹500 per month। फिफ्थ एडजस्टमेंट है वो, देखो रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम ₹500 per month टू ₹1,000 per month इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2003। यानी कि हमारा रेंट ₹500 था, ओके, वो 500 से कितना हो गया? तो 1,000 हो गया 1 अक्टूबर से। इसका मतलब कि 1 अक्टूबर तक हमारा रेंट ₹500 था। तो चलो उसकी वर्किंग नोट देखो, बहुत सिंपल। रेंट हमारा अक्टूबर तक, यानी कि यहाँ तक हमारा रेंट कितना था? तो भाई ₹500 हर महीना लगता था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
अक्टूबर, यहाँ तक हमारा रेंट था 500, लेकिन इसके बाद हमारा रेंट कितना हो गया, तो लिखा हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर, और वो हो गया 1000, यानी अक्टूबर से, अगस्त और सितंबर बस दो ही आएगा, सॉरी अगस्त एंड सितंबर, 1 अक्टूबर से तो हमारा भाड़ा 1000 लगने लगा, तो 1000 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी एंड मार्च। तो अब देखो हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन का भाड़ा कितना हुआ, 1000 प्लस 500, 1500 प्लस 500, 2000 रुपीज, और यहाँ का भाड़ा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6000 एंड 7000। ₹7000 समझ में आए। देखो रेंट हमेशा टाइम के बेसिस पे जाता है, क्योंकि भाड़ा हर महीने भरते हैं, इसके लिए टाइम के बेसिस पे हम लोग इसको अलोकेट करते हैं। टाइम रेशियो तो वैसे 1:2 है, और हमारा रेंट है 9000, तो 9000 को हम लोग 1:2 में बांटना चाहिए, लेकिन हम लोग उसमें शेयर नहीं कर रहे। उसका रीजन क्या है, भाड़ा बीच में से बढ़ गया, भाड़ा बीच में से बढ़ गया तो फिर हम लोगों को उसका कैलकुलेशन अलग प्रकार से करना पड़ेगा, और वो अलग प्रकार तो और भी सिंपल है। इससे कैसा है, हर महीने का भाड़ा रखते जाओ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का 500, 500, 500, हर महीने 500 लगता है। अगस्त सितंबर भी 500 लगा, लेकिन अक्टूबर से वो भाड़ा हो गया 1000, इसके लिए भाड़ा यहाँ से बढ़ गया, 1000 डाल दिए। टोटल करा तो पता चला भाई हमारा इनकॉर्पोरेशन के पहले हमारा रेंट था 2000 रुपीज, इसके लिए यहाँ पे लिखे गए 2000, और यहाँ पर है 7000, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे गिवन। ये जो है ये पूरा हमारा एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ओके। गिवन से अच्छा है यहाँ पर लिखो, ये जो है ये हमारी वर्किंग नोट है पूरी, इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट, ठीक है, रेफरेंस टू वर्किंग नोट, ओके। तो ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट में लिखे। अभी नेक्स्ट आइटम है हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, मंथली, मार्च, अप्रैल, बैड डेट्स, इन्वेस्टमेंट, कंसिडरेशन वेंडर, ओके। ऑफिस एक्सपेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है 6000, इसके लिए ऑफिस एक्सपेंसेस लिखेंगे 2 ऑफिस एक्सपेंसेस। तो जो भी ऑफिस एक्सपेंस है वो है हमारा ऑफिस एक्सपेंस है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और एडमिन एक्सपेंसेस जाता है टाइम के बेसिस पर, टाइम रेशियो है 1:2, तो 1:2 में अगर हम लोग 6000 को शेयर करेंगे, आप लोग वेरीफाई करते जाना आंसर को, 6000 × 1/3, 3 × 2 = 6, 2000, 4000, आप लोग वेरीफाई करते जाना आंसर को, अगर कैलकुलेशन कैसी देखे ही कि आंसर राइट आ रहा है, ओके। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आइटम है ऑफिस एक्सपेंस के बाद सेल्स कमीशन। अभी बट नेचर देखो, नाम से ही पता चलता है सेल्स कमीशन, यानी जितना सेल्स होगा उतना कमीशन देना पड़ेगा, यानी ये हमारा 15000 जाना चाहिए, कौन से रेशियो में, सेल्स या टाइम, ये दो में से एक रेशियो में जाएगा, तो टाइम रेशियो में नहीं, बट इट शुड गो इन सेल्स रेशियो, इसके लिए सेल्स कमीशन है हमारा 15000, तो हम लोग सेल्स कमीशन लिखेंगे 15000, यहाँ पर 2 सेल्स कमीशन, ये जाएगा हमारा सेल्स के रेशियो में, सेल्स का रेशियो है 4:11, 11 + 4 = 15, और है भी 15000, सो वेरी इजी, 4000 एंड 11000। द नेक्स्ट आइटम इज बैड डेट्स, बैड डेट्स के ऊपर देखो एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सेकंड एडजस्टमेंट, बैड डेट्स इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्टेड 2 years ago। अब देखो ये तो हम लोग यहाँ पे तो कंपनी बनी इस डेट के बाद,
कंपनी इस डेट के बाद बनी है और हमारा जो सेल्स हुआ है वो 2 साल पहले हुआ है, बरोबर। यानी 2 साल पहले हमारा पूरा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है, उससे कंपनी को कुछ लेना देना नहीं। तो 2 साल पहले सेल्स हुआ था, वहां पे लॉस हुआ है, तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन में आना चाहिए। कितना सिंपल एडजस्टमेंट है। इसके लिए इसमें कोई बाइफरकेशन नहीं होगा, कोई दो में बटेगा नहीं। सीधा बैड डेट्स कितना है, 5,000। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बैड डेट्स को यहां पर डालेंगे, टू बैड डेट्स। नो, इसका कोई ये नहीं आएगी, ना वर्किंग नोट में लिखा, ना ही इसको हमने किसी बेसिस पे शेयर किया। इसके लिए ये तो दिया इंफॉर्मेशन दी है वो, इसके लिए इंफॉर्मेशन के हिसाब से 5,000, नो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। एडजस्टमेंट में क्या दिया था, तो वही सेल्स 2 साल पहले हुआ था, उसका डूबा हुआ हमारा पैसा है, जिसको बैड डेट्स हमने नाम दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या दिखाएंगे, ये प्री, इसके पहले का पूरा प्री इनकॉर्पोरेशन, तो 2 साल इसके पहले ही आएंगे। इसके लिए ये पूरा हमारा बैड डेट्स प्री इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टर्स फीस, अब डायरेक्टर्स फीस कितनी है, तो भाई 8,000। तो यहाँ पे वापस से डायरेक्टर्स फीस, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, टू डायरेक्टर्स फीस। अब यहाँ पे एक बात है, डायरेक्टर यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब होते हैं, कंपनी होने के बाद में, कंपनी जब होगी तो ही डायरेक्टर्स हो गए। आज कोई पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर फीस, डायरेक्ट बोलने के लिए तो हम लोग डायरेक्टर किसी को भी हम अपने बताते हैं, कोई जो भी कोई डायरेक्शन देगा उसको कहते हैं भाई डायरेक्शन देता है, डायरेक्टर है, बट उसका एक्सपेंस हम लोग कब बता सकते हैं, तो जब कंपनी बनेगी उसके बाद में ही डायरेक्टर की फीस को हम एज एन एक्सपेंस बना सकते हैं, बता सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और हमारी बैलेंस शीट, हमारा इनकॉर्पोरेशन, सॉरी इनकॉर्पोरेशन हमारा हुआ है इस डेट के बाद में, इसके लिए जो भी कंपनी के एक्सपेंडिचर हो गए, डायरेक्टर की फीस, शेयर्स इश्यू करने का एक्सपेंसेस, डिबेंचर इश्यू करने का एक्सपेंसेस, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने का एक्सपेंस, ये सारे खर्चे तो हमारे कंपनी के हैं, और ये कंपनी हमारी यहाँ इस डेट के बाद बनी है। इसके लिए हम लोग जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस है वो सब हम लोग सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डालेंगे, क्योंकि कंपनी बन गई, कंपनी के एक्सपेंसेस चालू। कंपनी नहीं थी तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी नहीं थे। इसके लिए जब भी कंपनी के एक्सपेंसेस आएंगे तो वो कहाँ आएंगे, कंपनी नहीं थी तब नहीं, कंपनी होने के बाद, तो कंपनी जहां से शुरू होती है वहां से कंपनी के सारे एक्सपेंसेस उधर ही आएंगे, पहले में नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग करेंगे डायरेक्टर्स फीस है 8,000, तो यहाँ पे डायरेक्टर्स फीस 8,000, ये एक्सपेंसेस को बोलते हैं स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। बहुत सिंपल है यार, जिसके जो है, कंपनी के सारे खर्चे पोस्ट में आएंगे, प्री में नहीं आएंगे, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के बाद में कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है, तो कंपनी के सारे खर्चे कंपनी को देते जाओ, तो कंपनी के खर्चे कब आएंगे, एग्जिस्टेंस में आने के बाद, तो कंपनी आ गई एग्जिस्टेंस में, देते जाओ उसके खर्चे, तब तक उसको यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन में उसका कोई एक्सपेंस नहीं आएगा। उसके बाद में हमारा है नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, नाम पे से ही पता चल जाता है डेप्रिसिएशन एवरी मंथ होता है, तो एवरी मंथ हमारा डेप्रिसिएशन पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। तो इसके लिए डेप्रिसिएशन हमारा जाएगा टाइम के बेसिस पे, टू डेप्रिसिएशन टाइम। डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, 18,000 है। इसके लिए हमारा वो टाइम के बेसिस पे जाएगा, 18,000 टाइम रेशियो 1:2, 18,000 इंटू 1/3, 3 6 18, 1/3 1:2 यानी 6,000, 12,000, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। उसके बाद में डिवेंचर इंटरेस्ट, तो डिवेंचर इंटरेस्ट देखो कितना है, 8,000, तो 8,000 हो गया डिवेंचर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है।
टू डिवेंचर इंटरेस्ट, ये भी स्पेसिफिक होगा क्यों? तो अभी हमने देखा कि जो भी कंपनी के खर्चे हैं, डिवेंचर कौन बेचता है? पार्टनरशिप फर्म तो बेचते नहीं है, तो क्या ये फर्म का हुआ? ये प्री इनकॉर्पोरेशन यानी सारे फर्म के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, पर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन यानी सारे कंपनी के एक्सपेंसेस है। तो डिवेंचर कब हो गए? तो भाई जब कंपनी बनेगी, जब कंपनी बनेगी इस डेट के बाद में यानी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, तो हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हम लोग उस एक्सपेंस को बताएंगे, फर्म वाले पीरियड में वो एक्सपेंस को नहीं शो करेंगे। तो डिबेंचर एक्सपेंस है हमारा 8,000, ओनली 8,000 इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। फिर है इंटरेस्ट टू वेंडर 6,000, कंसीडरेशन टू, देखो फोर्थ एडजस्टमेंट, देखो फोर्थ कंसीडरेशन टू वेंडर्स वाज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2003। तो यहां पर आएगा अभी इंटरेस्ट, ये एडजस्टमेंट आपको हर टाइम आएगा और एकदम सिंपल एडजस्टमेंट। वेंडर यानी बेचने वाला, जिसके पास से बिजनेस खरीदा उसको उसका पैसा देना पड़ेगा बिजनेस का, क्योंकि हम उसके पास से बिजनेस खरीद रहे हैं। और अमालगमेशन में आप लोग देख चुके, बिजनेस खरीदने के लिए जो पैसा देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज परचेज कंसिडरेशन। तो जो परचेस कंसिडरेशन पे करना है, बिजनेस खरीद के परचेस कंसिडरेशन देने का है, ये परचेस कंसिडरेशन देने का सपोज थोड़ा लेट हो गया तो सामने वाला इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सिंपल, अभी एग्रीमेंट बना था, देखो बिजनेस को खरीदा कहाँ है, 1 अप्रैल को, लेकिन पेमेंट कब हो रहा है? क्वेश्चन में दिया है अक्टूबर को। कंसिडरेशन टू वेंडर्स वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर, देखो अप्रैल में बिजनेस खरीदा लेकिन पेमेंट कर रहे अक्टूबर को, यानी सितंबर तक का पूरा ब्याज देना पड़ेगा उनको कि इतना लेट पेमेंट किए, तो इतना लेट पेमेंट का इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट टू वेंडर 6,000, 6,000 दिया है, तो हम लोग 6,000 कितने महीने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी हर महीने का 1,000 ब्याज लगाया उसने, 6 महीने का 6,000, 1 महीने का 1,000। जनवरी सॉरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बराबर 6,000 यहाँ पे, तो सितंबर। उसके बाद उसने इंटरेस्ट लगाना बंद कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट हो गया होगा, हमको यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे पेमेंट हुआ है। तो 4 मंथ्स का 1 2 3 4, 4,000 इधर हुआ और 2 मंथ्स का ₹2,000 इधर हुआ, तो क्या आ गया इंटरेस्ट का रेशियो 4,000 एंड 2,000। टू इंटरेस्ट टू वेंडर्स इजी वो इंटरेस्ट टू वेंडर्स, यानी कि हमने क्या किया, तो भाई जितना पीसी पे करने का है वो पीसी पे यहाँ पे हमको दिया हुआ है। कंसीडरेशन टू वेंडर्स वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर, यानी जो भी पैसा देने का था बिजनेस खरीदा उसका, वो पैसा हमने बिजनेस खरीदा अप्रैल में लेकिन वो पेमेंट किया सितंबर में या अक्टूबर में, अक्टूबर के 1st को, यानी अक्टूबर का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा पर टिल सितंबर इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंसीडरेशन वॉज पेड, यानी परचेस कंसीडरेशन पेड किया इस डेट पर, तो उस डेट तक वो वेंडर हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट को बोलेंगे इंटरेस्ट टू वेंडर्स, यानी कि हम लोगों को वेंडर यानी बिजनेस जिसने बेचा उसको पेमेंट करना है वो। समझ में आए? यहाँ डेबिट साइड इज क्लियर, नाउ सी द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, इसके लिए हम लोग वो लिखेंगे क्रेडिट में, पूरा पी एंड एल वैसे का वैसा ही लिखने का है, कुछ अलग नहीं, लेकिन खाली उसकी अमाउंट्स को
डिवाइड करने का है बस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर 20,000 का प्रॉफिट, वो उसको कैसे शेयर करें? एनी इंफॉर्मेशन इन एडजस्टमेंट्स, देखो अपने शीट में क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ऑन 1 नवंबर 2003। सी प्रॉफिट कब हुआ, प्री इनकॉर्पोरेशन में हुआ या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हुआ, क्योंकि यहां पे हमने बेचा है ना प्रॉफिट को, सॉरी इन्वेस्टमेंट को, और ये पीरियड कब आता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। इसके लिए पूरा प्रॉफिट खाली और खाली सिर्फ और सिर्फ कौन लेगा, तो ये वाला पीरियड लेगा। इसके लिए यहाँ पर है, ये इंफॉर्मेशन इज गिवन, 20,000 प्रॉफिट सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड को मिलेगा। ओके, और कोई आइटम जो छूट रहा है? सब एडजस्टमेंट्स देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट कवर हुआ, सेकंड भी कवर हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट कवर हुआ, फोर्थ एडजस्टमेंट कवर हुआ एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट कवर हुआ। आइटम्स में हमारी सैलरीज, रेंट, ऑफिस, सेल्स कमीशन, बैड डेट्स, डायरेक्टर फीस, डेप्रिसिएशन, डिबेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू वेंडर, सब आइटम्स कवर हो गई। क्रेडिट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस प्रॉफिट, ये दोनों आइटम भी कवर हो गई। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। एज यूजुअल हम लोग हमारे पी एंड एल जो प्रॉफिट शेयर करते हैं निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। हम लोग अगर देखें तो क्रेडिट का डेबिट का दोनों का टोटल कंपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट देखो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हमारा टोटल कितना होता है, 88,000 और 20,000, और यहाँ पर उससे कम है, 2, 7, 9, 11, 12, इससे कम है। आपके एलसी पे स्टार्ट करो, ₹1,08,000। आपका आंसर जरा चेक कर लेना, 36,000। ये हमारा वही प्रॉफिट जो हम लोग हर साल फाइंड आउट करते थे 11th में 12th में FY SY TY सब में। रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं इसको, रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी कि जो हम लोग 11th में करते थे, 12th में करते थे, 13th में, जो एज यूजुअल जो नेट प्रॉफिट आते हैं वही। सो दिस इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग दूसरा करेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में देखो विच साइड इज हैवियर, 32,000। ओके, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे कितना, 10, 12, 14, 10, 12, 14, 18, 18 and 5, 23, 23 and 6, 23 and 10, 33। अच्छा ये 32 and 33, दिस इज दी हेवियर साइड, 33,000। तो 1,000 का लॉस आया। अगर लॉस आता है, अगर लॉस आएगा तो क्या एंड प्रॉफिट आएगा तो क्या, बस इतना हमारा आंसर है। लॉस आया 1,000 का, लॉस अगर आता है तो हम लोग उसको गुडविल कहते हैं, लॉस अगर आएगा तो हम लोग उसको गुडविल कहेंगे। नाउ सी 1,000 का लॉस है। अब क्वेश्चन के सबसे स्टार्ट में क्या लिखा है वो देखो,
वीके प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2003। दिस कंपनी एग्रीड टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ मेसर्स जय विजय कंपनी एज गोइंग कंसर्न इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट वेंडर्स आर एंटाइटल्ड टू 60% प्रॉफिट। जो बेच रहा है वो 60% प्रॉफिट लेगा फॉर द पीरियड अप टू 1 अगस्त। ठीक है, जो बिजनेस बेच रहे हैं उसने क्या कहा, 1 अगस्त को कंपनी बनेगी, तब तक तो फर्म ही रहेगा, या तो जो कंपनी है ओल्ड कंपनी वही रहेगी, यहां से वो कंपनी बिक जाएगी, तो 1 अगस्त तक उसको जो भी प्रॉफिट होगा उसका 60% प्रॉफिट उन लोग लेंगे और 40% प्रॉफिट इनको मिलेगा जिसने खरीदा है। सपोज हमने खरीदा है बिजनेस, तो हमको मिलेगा 40% ये पीरियड का प्रॉफिट और 60% ये पीरियड का प्रॉफिट उनको देने का। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ, तो लॉस में भी हिस्सेदारी सेम रहेगी, जो भी लॉस है उसका 60% उनको दो और 40% लॉस हम लोग झेलेंगे। ये हो गया इस पीरियड का, ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में 1000 का लॉस हुआ है, तो 1000 के दो पार्ट, 60% का 600 एंड 40% का 400। जो भी हमारा लॉस है वो हमारा लॉस हम लोग डालेंगे गुडविल में, बाय गुडविल, और जो उनका लॉस है वो उनको दे दो बाय वेंडर्स अकाउंट। अंडरस्टूड? बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ तक हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, वेंडर्स एंड 60% एंड 40%। क्वेश्चन में क्या किया, तो हमने नया क्या सीखा इसमें, सब आपको आता है कि क्या डेबिट होता है क्या, अगर जो पी एंड एल क्वेश्चन में है वही पी एंड एल पूरे का पूरा छाप दिया। खाली एक ही चीज किया है कि जो उसके अंदर अमाउंट दिया है वो अमाउंट को हमने बाइफरकेट किया है। बाइफरकेशन के लिए हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन दी थी, वो एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन को हमने यूज किया और हमने एक वर्किंग नोट बनाई। वर्किंग नोट में मैंने आपसे कहा कि जो भी हो गया, वर्किंग नोट में आपको दो चीज हमेशा पहले दिखा दो, सेल्स रेशियो एंड टाइम रेशियो, ये हमेशा आपको आने ही वाला है। तो सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो हमने निकाला। टाइम रेशियो निकालना तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप जितने भी महीने हैं उतने महीने गिन लो कि प्री के कितने महीने, पोस्ट के कितने महीने, हो गया टाइम रेशियो। तो यहाँ पे टाइम रेशियो फिनिश। सेल्स रेशियो में कैसा होगा, तो दोनों पीरियड में कितना सेल्स हुआ है वो काउंट कर लो, वो सेल्स को, सेल्स के जो डेटा है उसका देने का कुछ इंफॉर्मेशन, उनका अलग अलग प्रकार का बात होता है। तो इसके लिए यहाँ पे इन लोगों ने परसेंटेज में दिया है कि इतना परसेंट था और फिर इतना परसेंट हो गया ऐसा। तो सेल्स का हम लोगों ने इस प्रकार वर्किंग नोट निकाला। उसके बाद हमने रेंट और इंटरेस्ट का वर्किंग नोट किया एंड फाइनली हमने वो अमाउंट को यहाँ पे रखा। अच्छा, इसमें एक बात, एक चीज देखने जैसी है कि जो हमारे डायरेक्टर्स फीस है, डायरेक्टर्स फीस, डिवेंचर इंटरेस्ट, ये देखो ये स्पेसिफिक एक्सपेंसेस है। बी कॉशियस इन स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, क्योंकि स्पेसिफिक एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, वो जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस सिर्फ यहाँ के पीरियड में हुए हैं, कंपनी बनने के बाद में डायरेक्टर के एक्सपेंस, डायरेक्टर की फीस जनरेट हुई, कंपनी बनने के बाद में डिबेंचर के, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ा। तो ऐसे जो भी कंपनी के कॉस्ट है, कंपनी के एक्सपेंसेस है, वो कंपनी के एक्सपेंसेस सिर्फ पोस्ट में जाएंगे। और कुछ ऐसे जो पर्टिकुलर हो गए, जैसे बैड डेट्स हमने देखा इस केस में, वो सिर्फ 2 साल पहले का है, यानी प्री इनकॉर्पोरेशन, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट हमने पोस्ट में बेचा, नवंबर में बेचा है, जो पोस्ट का है इसके लिए वो पोस्ट में जाएगा। इजी को, ये था हमारा पीपीआई, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। आगे के क्वेश्चंस भी इसी टाइप के हैं, जिसके अंदर अपने को सब इंफॉर्मेशन दी रहेगी और हम लोगों को ये सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट। बस वर्किंग नोट को सॉल्व करो, एडजस्टमेंट को समझो, एडजस्टमेंट को समझ के वर्किंग नोट बनाओ, अगर ये परफेक्ट बना तो ये कुछ नहीं है, ये तो खाली देख देख के लिखा गया है।
और आगे आपको आ सकता है इसके, ये सब क्वेश्चन में ज्यादातर यही रहेगा। और आगे के क्वेश्चन में आपको ये भी है कि पीएनडल बनाओ, कोई कोई क्वेश्चन में ट्रेडिंग भी बनाना है, मान लो ट्रेडिंग पीएनडल और फिर बैलेंस शीट, कोई कोई है वो फाइनल अकाउंट, फुल फाइनल अकाउंट वाले भी क्वेश्चन भी है, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे पीएनडल बनाने के। सो एनीवे लिख लो इसको।